गाइस एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मोइन ब्लॉग्स में। आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए एक वीडियो। तो वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं साइकिलों के बारे में। तो वीडियो को एंड तक बने रहना और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले आए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये जो है सेंट्रो 2006 मॉडल है, ये मैंने ली है 60,000 रुपये की। तो अभी देखते हैं इसमें क्या जो है प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें सही हैं, क्या ख़राब है इसकी। तो आइए सबसे पहले इसका इंजन चेक कर लेते हैं। तो इंजन की कंडीशन आप देख सकते हैं। इंजन काफ़ी बेहतरीन है इसका अभी भी 2006 मॉडल होने के बावजूद। ये मैंने लिए 60,000 रुपये की। और अभी हम चेक करने वाले हैं इसका पिकअप। इंजन आप देख लीजिए, इंजन एकदम साफ़ है, कोई रिपेयर वर नहीं है, एकदम साफ़ इंजन है। ये पेट्रोल में है गाड़ी, तो देखते हैं। अब हम बोनट को गिरा देंगे। तो अभी हमने बोनट गिरा दिया है। आइए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं, देखते हैं। देखते हैं इसे स्टार्ट करके। ये देखिए हाफ सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो गई है। पिकअप आप देख लीजिए, आवाज़ सुन लीजिए, पिकअप बहुत अच्छा है इस गाड़ी का। अब आइए एक बार ट्राई लेकर देखते हैं इसका 2006 मॉडल का। आइए तो चलिए चलते हैं, फुल इसे चेक करेंगे क्या इसमें कमियां हैं क्या नहीं। ये 60,000 रुपये की मैंने ली है, 2006 मॉडल है ये। ओ तेरी, 2006 मॉडल होने के बावजूद भी पिकअप देखिए आप इसका, भागने में तो एक नंबर है गाड़ी। ये देखिए आप 14 गियर में जा रही है 60 पे, भागने में एक नंबर है। अभी देखते हैं कितनी उठती है, फुल उठा के देखेंगे इसे हम लोग एक बार। भाई 2006 मॉडल होने के बावजूद जो इंजन में अभी तक इसके जान है, बहुत एक नंबर इंजन है इसका। देखिए 100 पे उठ गई है, एक नंबर गाड़ी है भाई। मैं आपको एक बार ले, ये देखिए आप 100 के पार चली गई, एक बार मैं आपको ट्रायल इसका लेके दिखा रहा हूँ। ये देखिए 120 पे चल रही है। तो इंजन से तो ये गाड़ी बहुत बेहतरीन है। और स्टेयरिंग आपको बता दूँ, पावर नहीं मिलता था 2006 में, ना ही आपको पावर विंडो मिलती थी। सेंट्रो में 2006 में पावर स्टेयरिंग नहीं आता था। तो ठीक है, इंजन तो हमने इसका चेक कर लिया, इंजन में कोई भी कमी नहीं है और बहुत बढ़िया इसका इंजन है। अब जो है कुछ कमियां मुझे इसकी लग रही हैं, वो मैं अभी आपको एक बार और ट्राई लेता हूँ, फिर देख के बताता हूँ। इतनी देर में मैंने कमियां इसकी देख ली। और 2006 होने के बावजूद इसका एवरेज मैं आपको बताऊं,
तकरीबन ये 20 का माइलेज दे रही है इस वक्त ऑन लॉन्ग रोड पे। अगर आप 10 20 100 किलोमीटर की ट्रिप करते हैं उसमें भी आपका ये 17 से 18 का एवरेज देती है, एवरेज में भी बढ़िया गाड़ी है। ये 2006 मॉडल है, अभी कागजों पर वैलिड है, आरसी पर अभी वैलिडिटी बाकी है, लगभग 1.5 साल 2 साल की वैलिडिटी अभी बाकी है गाड़ी की। तो पिकअप में तो गाड़ी बहुत अच्छी है, इंजन से भी बढ़िया है। अब मुझे लग रहा है ये इसमें पीछे से गड्ढों में कुछ आवाज़ आ रही है। अगला सस्पेंशन बढ़िया है, पिछले सस्पेंशन में मुझे कुछ कमी लग रही है। तो अभी गाड़ी रोकेंगे, देखेंगे क्या कमी है। गाड़ी जब तक स्पीड से नहीं उठाएंगे आप तक आपको उसकी कमियां पता नहीं चलेंगी। तो देखिए 100 पे चली गई है गाड़ी अभी, मैं ठीक है। स्टेयरिंग भी कोई काम नहीं होना है, इंजन में भी कोई काम नहीं होना है। सर्विस तो खैर एक बार अभी इसकी करानी पड़ेगी मुझे, क्यों सर्विस तो पता नहीं कब कराई होगी, इसके पास रही होगी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो कमी मुझे लगी है। तो चलिए आपको मैं पहले वही दिखा देता हूँ। तो इसमें जो कमी है वो आप देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, इसके बुश कटे हुए हैं और जो सस्पेंशन के अंदर जो इसके जो सस्पेंशन के अंदर बुश होते हैं वो भी कटे हुए हैं। आपको दिखाई, ये देखिए ये जो रबड़े हैं ये भी कटी हुई हैं। ये इधर की भी रबड़े कटी हुई हैं, तो इसमें ये काम होना है अभी, ये दोनों ही मुझे खुलवाने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं कितना खर्चा आता है। तो जो है इसका पिछले सस्पेंशन की रबड़े कटी हुई हैं और इसकी जो है पीछे की भी बुश पड़ना है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं लाला मिस्त्री के पास, तो लाला भैया से पता करते हैं इसमें कितना खर्चा आएगा। वैसे मैं उनसे पता कर चुका हूँ इससे पहले, तो उन्होंने तकरीबन मुझे बताए थे कि इसमें 2000 रुपये खर्च होंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं उनके पास और बाकी वीडियो आपको दिखाता हूँ आगे। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम लोग लाला की दुकान पर पहुंचने वाले हैं लाला भैया की। बस पहुंच गए। फिलहाल आप पुरानी कोई भी गाड़ी ले रहे हैं तो एक बार जो आपका मिस्त्री हो उसे ज़रूर दिखा ले, उसे 1000-2000 रुपये दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या है आपको कभी घाटा नहीं होगा गाड़ी में। तो हम लोग आ चुके हैं लाला भैया की दुकान पे, ये देखिए उनकी दुकान है। तो देखते हैं लाला भैया हैं कि नहीं। आइए, तो गाइस फाइनली हमारी गाड़ी में काम स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए।
तो इसमें जो बुश पड़ेंगे वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, जो कटे हैं वो भी दिखा दूंगा मैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना फ्रेंड्स, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो गाइस देखिए हमारा स्पेयर व्हील खुल चुका है, तो ये देखिए जो सस्पेंशन में यहाँ पे बुश होता है वो पूरा कट गया है। देखिए मतलब पूरा कट के निकल ही गया है, पूरा ख़त्म हो गया है, बुश है ही नहीं इसके अंदर। ये देखिए ये रबड़ दिख रही है आपको खाली, ये देखिए खाली रबड़ बची है, पूरा बुश जो है फट कर निकल गया है। और ये इस राड में भी हमारा आगे एक बुश है तो वो भी कटा हुआ है, इसलिए जो आप देखिए पूरा ये जो है हिल रहा है। तो काम स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं अभी कितनी देर लगती है यहाँ पे। तो इधर वाला बुश तो आपने देख लिया था, अब इधर वाला भी हमारा पहिया खुल चुका है। इधर वाला भी बुश देख लीजिए, इधर वाले भी पहिया खुल चुका है। ये देखिए ये बुश देखिए, ये पूरा यहाँ से देखिए ये कटा हुआ फट गया है पूरा बुश। पूरा बुश कट चुका है, ये देखिए पूरा कट चुका है, पूरा ये बुश नया पड़ेगा। और इधर भी हमारा ये इस कोने में वाली राट का भी बुश दूसरा पड़ेगा। तो गाइस देखिए हमारी गाड़ी का पिछला हिस्सा पूरा बाहर निकल चुका है, पूरी कैची बाहर निकल चुकी है इसकी, और ये देखिए बुश निकल गए हैं, पूरी कैची बाहर निकल चुकी है। ये वाले हैं कटे हुए सामान, पूरा बुश कटा हुआ है। इस वाले में तो कुछ है ही नहीं, लाइन लाइन। ये देखिए ये बुश पूरा बेकार हो चुका है। ये देखिए ये बुश की हालत कितनी खस्ता हो चुकी है, पूरा बुश बेकार हो चुका है। तो ये अब हम नया पढ़वाएंगे, ये दोनों बुश, ये वाला एक और उस साइड वाला भी हमें डलवाना होगा। देखिए वाला तो पूरा ख़राब हो चुका है, आप देखिए ये देखिए ये वाला ये भी चटक चुका है, ये पूरा ख़राब हो चुका है। तो अब हम ये दोनों बुश नए डलवाएंगे। तो ये देखिए ये रबड़ का जो पूरा पार्ट है ये भी कट चुका है, तो ये देखिए आप पूरा कट चुका है। तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे लगता है, तो ये भी हम चेंज कराएंगे दोनों। ये और ये इधर साइड का, ये देखिए ये भी कट चुका है। ये देखिए ये रबड़े सब कट चुकी हैं, तो ये सब हम चेंज कराएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपके लिए ये बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। पीछे से अगर सस्पेंशन में आवाज़ आ रही है आपको किसी भी तरीके की, तो ज़्यादातर ये रबड़े ही कट जाती हैं, कोई भी गाड़ी हो आपकी। तो ये आप ये रबड़े चेक कराएं, और कंपनी में आप जाएंगे तो इसका आपको खर्चा काफ़ी लंबा बैठा देते हैं, 20 से 25 हज़ार रुपये का ये खर्चा बैठा देते हैं सस्पेंशन में। होता कुछ नहीं, ज़्यादातर ये रबड़े ही कट जाती हैं, तो इसी वजह से हमारी गाड़ी में आवाज़ आने लगती है। तो ये सब हम रबड़े अभी चेंज करा रहे हैं, फिर आपको दिखाऊंगा, चला के भी देखेंगे फिर ठीक चलती है या नहीं। सब रबड़े अभी हम चेंज कराएंगे। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और आपको कार और बाइक से रिलेटेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर मिलती रहती है, तो इसलिए तो इस लाल वाले बटन को दबा देना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले आए। तो चलिए अभी बुश डलाएंगे हम। तो गाइस फाइनली हमारे नए वाले बुश भी ये देखिए लग चुके हैं, ये नए वाले बुश।
पुराने वाले बुश ये थे, ये फट गए थे, पूरी तरीके से कटे हुए थे, तो ये मैंने ये नए बुश लगवा दिए और सारे बुश नए लग चुके हैं। ये भी नया पुराना बुश है, सब बुश नए लग चुके हैं। अब फिटिंग हो रही है, फिटिंग होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस हमारी फाइनली गाड़ी में काम पूरा हो चुका है, तो चलते हैं ट्राई लेकर देखते हैं कि अब ठीक चलती है या नहीं, ट्राई लेकर देखते हैं। तो गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं 60 की स्पीड से, कोई आवाज़ नहीं आ रही है गाड़ी में, बस वही आवाज़ थी। और मैंने दिखाया था आपको बुश वुश सब कटे हुए थे, इसलिए इसी वजह से आवाज़ कर रही थी। तो बुश वुश हमने पढ़ा दिए हैं, गाड़ी में अब किसी भी तरीके की कोई आवाज़ नहीं है। एक बार आपको दिखा दूंगा कौन कौन से बुश कटे हैं, एक बार फिर से दिखा दूंगा जो कटे हुए थे बुश, हमने सब रिप्लेस करा दिए हैं। और जो मुझे इसकी कॉस्ट आई है वो भी बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक है, इसी वजह से हम लोग थोड़ा आगे शांत एरिया में जा रहे हैं, वहाँ पे आराम से आपको बताते हैं। तो गाइस आपको बाहर से भी एक बार लुक दिखा देता हूँ गाड़ी का। तो गाइस फाइनली हमारी गाड़ी में काम पूरा हो चुका है। तो ये मैंने 60,000 रुपये की ली थी, और तकरीबन जो हमने इसमें काम कराया है, बुश वुश पड़ाए हैं, तो उसमें खर्चा आया मेरा लगभग 2,000 रुपये। तो और उसके बाद मैंने ये गाड़ी अपने नाम पर कराई है, तो उसमें भी मेरे लगभग 2,000-2,500 रुपये खर्च हो गए। तो ये मतलब जो है मुझे 64,000-65,000 रुपये की लगभग सारा काम करा के पड़ गई है, सर्विस वगैरह सब करा के 65,000 रुपये की मुझे पड़ गई है। तो 65,000 रुपये में ये गाड़ी बहुत ही बढ़िया है, आपको मैं दिखाता हूँ इसमें कौन से कुछ पड़े। आपको मैं पास से दिखा देता हूँ, ये जो बुश है सारे के सारे बुश ख़राब हो गए थे ये, तो आप देखिए बुशों का हाल देखिए आप, ये देखिए ये बुश फटा हुआ है पूरा, ये भी बुश पूरा कटा हुआ है, बुशों की हालत आप देखिए। और ये भाई साहब इसकी हालत तो आप देखिए, ये देखिए ये इस तरीके से बुश होता है, पूरा बुश जो है टूट गया है। और ये बुश ये भी ख़राब हो गया, ये भी चटका हुआ है यहाँ से, और इस वाले की तो बहुत ही हालत खस्ता हो गई थी। तो बुश सब हमने नए डला दिए हैं, सारे के सारे बुश जो हैं हमने ये सब बुश नए पड़ा दिए हैं, और गाड़ी हमारी बिल्कुल फिट हो चुकी है। और ये मैं आपको बता दूं, ये वैलिड गाड़ी है, अभी लगभग इसकी वैलिडिटी 2 साल वैलिडिटी जो है गाड़ी की बाकी है। और गाड़ी का इंश्योरेंस भी करा हुआ है, थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस था। तो यही थी कुछ जानकारी, ये मैंने जो मुझे जो है 65,000 रुपये की पड़ी है सारा काम करा के। और मैं बता दूँ गाड़ी का पिकअप एक नंबर है, सब कुछ टायर जो है सारे के सारे सब लगभग 70-80% टायर अभी बाकी हैं इसमें, और अगले टायर नए पड़े हुए हैं, सब कुछ ओके है गाड़ी में। तो 65,000 रुपये में आपको कैसी लगी ये गाड़ी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको कार और बाइक से रिलेटेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो वीडियो करते हैं एंड, टेक केयर, बाय बाय।